मॉम्स बेस्ट रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कैबेज के पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिए हैं कैबेज, बेसन, बारीक कटी हुई ग्रीन चिली, सोल्ट, अदरक, बारीक कटी हुई धनिया, मसाले, हल्दी। बॉल में मैं बारीक कटी हुई कैबेज को ऐड कर रही हूँ, ग्रीन चिली को ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून तक मैं सोल्ट ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून मसाले ऐड कर रही हूँ, बारीक कटी हुई धनिया को ऐड कर रही हूँ, अदरक को ऐड कर रही हूँ, 5 से 6 स्पून तक मैं इसमें बेसन को ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ कप से भी हाफ मैं इसमें वाटर को ऐड की हूँ। ऐसे ही इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं एक पैन में ऑयल ली हूँ, मेरा ऑयल भी हीट हो चुका है, तो फ्राई कर लेते हैं पकौड़े को। पकौड़े एक साइड से फ्राई हो चुके हैं तो मैं दूसरे साइड पलट रही हूँ। ऐसे ही दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूँगी। पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पे ही बनाएं। पकौड़े बहुत ही कुरकुरे बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। ऐसे ही बनाइए आप और खाइए। अगर आपको शाम को कुछ क्रिस्पी खाने का मन करे तो कैबेज के पकौड़े बनाएं और खाएं, बहुत ही जल्दी से बन जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।